टीएमसी पर भड़की बीजेपी, बंगाल उपचुनाव को लेकर लगाए गंभीर आरोप, वोट के नाम पर हुई धोखाधड़ी, चुनाव आयोग टीएमसी पर लेगा एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दरअसल यहां 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख सुकान मजुमदार ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से नतीजे आए हैं, भाजपा को कुछ बूथों पर 3 वोट मिले हैं और कुछ बूथों पर 4 वोट मिले हैं, ये वोट के नाम पर धोखाधड़ी है। हमने पहले भी चुनाव आयोग से शिकायत की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने नतीजों के बाद कहा कि हम अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे लेकिन टीएमसी ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिए हैं। यहां चुनाव के दौरान बहुत सारी अनियमित तौर पर चीजें हुई, सत्तारूढ़ पार्टी ने आतंक का राज कायम कर दिया था। अब समझ लेते हैं कि क्या रहा बंगाल उपचुनाव का गणित। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में जिन 4 सीटों पर जीत दर्ज की है उनमें से 3 रायगंज, बागदा और रानाघाट दक्षिण बीजेपी के पास थी। ममता बैनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी ने मानिकताल निर्वाचन क्षेत्र में 62,000 से अधिक मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है। भाजपा ने इन सभी 4 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही जबकि वाम कांग्रेस गठबंधन तीसरे स्थान पर रहा और 2 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी जमानत जब्त हो गई। रायगंज विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी के से कृष्ण कल्याण ने बीजेपी के मानस कुमार घोष को हराया है। कल्याणी ने इस सीट पर लगभग 50,000 वोटों से जीत दर्ज की है। रणघाट दक्षिण विधानसभा सीट से मुकुंद मणि अधिकारी ने बीजेपी के उम्मीदवार मनोज कुमार विश्वास को करीबन 40,000 वोटों से हराया है। बागदा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की मधुपुराणा ठाकुर ने जीत दर्ज की है। टीएमसी से इस महिला प्रत्याशी ने बीजेपी के उम्मीदवार विनय कुमार विश्वास को करीबन 33,000 वोटों से हराया। मानिकताला विधानसभा सीट से टीएमसी की सुप्ति पांडे ने बीजेपी के उम्मीदवार कल्याण चौबे को करीबन 20,000 वोटों से हराया है। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में ये दूसरा झटका है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 में भी पार्टी को नुकसान हुआ था, तब उसकी सीटों की संख्या 2019 की तुलना में 18 से घटकर 12 रह गई थी। 254 सदस्य पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के पास 71 सीटें हैं जबकि 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में उसके पास 70 सीटें थी। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की सीटों की संख्या 215 है। इसके अलावा उसे भाजपा के 3 विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है जो सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सदन से इस्तीफा नहीं दिया है। इसके बाद बंगाल उपचुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी की शानदार जीत के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हम पर भरोसा जताने के लिए हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं। हम 21 जुलाई को शहीद दिवस पर होने वाली रैली में उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में मिली जीत को शहीदों को समर्पित करेंगे। उपचुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य भाजपा के एक नेता ने कहा कि पार्टी आत्मचिंतन करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने तुरंत पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया। उपचुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य भाजपा के एक नेता ने कहा कि पार्टी आत्मचिंतन करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने तुरंत पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया है लेकिन बीजेपी अपने आरोपों पर बरकरार है। आपको बता दें कि बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भी खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। यूपी में बीजेपी को लगी पटकनी, एक्शन में अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 14 जुलाई को लखनऊ में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद ये पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सभाकर में होने वाली बैठक में पूरे प्रदेश से करीब 3,000 से 3,600 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया है। बैठक में पार्टी के मौजूदा विधायकों और सांसदों के साथ साथ चुनाव हारने वाले सभी लोकसभा उम्मीदवारों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा बैठक में MLC, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पार्टी के सभी
पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। राज्य में 80 लोकसभा सीटों में से केवल 33 सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों का पता लगाने के लिए 78 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने के लिए 2-2 सदस्यों वाली 40 टीमें गठित की थी। टीमों ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को सौंपी थी। बंगाल और यूपी के उपचुनावों की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब जरा 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के गणित को भी समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आए। इसमें से इंडी अलायंस ने 10, एनडीए ने 2 सीटें जीती। आपको बता दें कि सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, आप डीएमके ने 1-1 सीटें जीती हैं। वहीं भाजपा के खाते में 2 सीटें गई हैं, 1 सीट पर निर्दलीय विजय हुआ है। इन 13 सीटों में भाजपा के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2, टीएमसी के पास 1, जेडीयू के पास 1, आम आदमी पार्टी के पास 1, डीएमके के पास 1, बीएसपी के पास 1 और निर्दलीय के पास 3 सीटें थी। नतीजों पर राहुल गांधी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों से स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बनाया गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। एनडीए ब्लॉक में 13 में से 11 सीटों पर भाजपा और 2 अन्य पर जेडीयू, पीएमके ने चुनाव लड़ा। इनमें भाजपा मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से जीत पाई। जेडीयू बिहार की रुपौली और पीएमके तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर हार गई। इंडिया ब्लॉक में 13 में से कांग्रेस 9, आरजेडी 1, सीपीआई 2 और डीएमके 1 सीट पर चुनाव लड़ी। कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें हिमाचल प्रदेश की देहरा, नलगढ़, उत्तराखंड की बद्रीनाथ, मलगौर सीट शामिल है। डीएमके ने तमिलनाडु की विक्रमंडी सीट पर जीत दर्ज की है। पंजाब में एकमात्र सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। यहां भाजपा दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी ने जीत दर्ज की है। पिछली बार भाजपा के पास 3 सीटें थीं, लेकिन इस बार टीएमसी ने तीनों सीटें छीन ली। यहां टीएमसी अकेले चुनाव लड़ रही थी। नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश भर में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। लोकसभा चुनाव में जनता का संदेश बहुत स्पष्ट था, लेकिन लोगों ने देखा कि सरकार में अभी भी वही घमंड और ऐठन थी। इसीलिए देश की जनता ने महीने भर में दूसरी बार बीजेपी को संदेश दिया है। हम उत्तराखंड की 2 सीट पर जीते और हिमाचल प्रदेश की भी 2 सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी को 13 सीट में सिर्फ 2 सीट मिली है। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में काउंटिंग रोक कर अधिकारी लंच ब्रेक पर चले गए थे। पूरा प्रशासन कांग्रेस को हराने के लिए जुट जाता है। बीजेपी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान नहीं है। पीएम मोदी लोगों के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। जनता को बीजेपी की राजनीति में घमंड दिखता है। मंगलौर में वोटिंग के दिन मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोका गया। आज बीजेपी के नेता समर्थक कहते दिख रहे हैं कि मंगलौर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां कांग्रेस को जीतना ही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस बद्रीनाथ और अयोध्या कैसे जीत गई? बीजेपी सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीति कर रही है, इसीलिए जनता आपको करारा जवाब दे रही है। ये सभी आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि बीजेपी पर लगाए हुए आरोप आपको सही लगते हैं या गलत, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और इस खबर में आज बस इतना ही। और भी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।